प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव, तुम कौन हो वत्स? मैं प्रथम बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। मैं प्रथम बार ही यहाँ आया हूँ पूज्यवर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अंगिरा ऋषि शिवेशिष्ट यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ का संचालन करने हेतु आपको आमंत्रित किया है। कृपया मेरे साथ पधारने का कष्ट करें। स्वामी, मेरी तपस्या के कारण विगत कई दिनों से आपने भोजन नहीं किया होगा। मैं तुरंत आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ, आप भोजन करके ही पधारें। किंतु ऋषिवर, वे सब वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता, आप निश्चिंत रहिए, ऋषिवर के आहार की व्यवस्था वहीं हो जाएगी। देवी, यज्ञकर्ताओं के अनुरोध को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यज्ञ समाप्त होते ही मैं तुरंत लौट आऊंगा। चलो वत्स। साधु जनों को प्रणाम। कल्याण भव। साधु महाराज, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ, आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए फलाहार का प्रबंध करती हूँ। देवी, भिक्षा प्राप्त करने से पूर्व हम अपने नित्य नियम का पालन करेंगे। अपने नियमों के अनुसार हम उसी गृहिणी से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच होकर हमें भिक्षा दे। अर्थात यही कि पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज मर्यादा और संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा दे। ये कैसे संभव है? विचित्र मांग है आप तीनों की। कोई भी पतिव्रता सन नारी इस प्रकार की स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं होगी। भला पर पुरुषों के सामने कोई भी स्त्री अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? आप निसंकोच व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते हैं मुझसे? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप आभूषणहीन रूप में मुझे क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। हमारे प्रति शंका और संदेह रखने वाले को हम अपने क्रोध की ज्वाला से तुरंत भस्म कर देते हैं। हम सच्चे तपस्वी हैं। यदि तू स्वयं को इतनी महान सती समझती है तो तेरे मन में विकार ने क्यों प्रवेश किया? और यदि तेरे मन में विकार नहीं है तो तुझे तुरंत हमारी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। बुद्धि भ्रमित नारी, ये मत भूल, यदि तूने हम तीनों महात्माओं को बिना भिक्षा दिए लौटा दिया तो इसका परिणाम, विनाशकारी परिणाम तुझे जीवन भर भुगतना होगा। नहीं साधुजन, नहीं, आप रुके। क्यों रुके? क्या अपना अपमान करवाने के लिए रुके? जब हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती तो हम क्यों रुके? किंतु साधु द्वार पर आकर लौट जाएं, ये तो उचित नहीं है। उचित अनुचित का विचार करने वाले हट नहीं क्या करते अनसुईया? और हट करने वाले गृहस्थों के यहाँ हम साधु अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमारा लौट जाना ही उचित होगा। ऐसा अनर्थ ना करे साधु जन। अनर्थ से बचना चाहती हो तो हमारे शब्दों का अर्थ समझो। अर्थ समझ लेने के पश्चात उन शब्दों पर आचरण भी करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है अनसुईया, हमारी मांग स्वीकार कर लो। शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की माता बनोगे। मैं माता बनूंगी? तो क्या अब हम लौट जाएं? लौटना ही होगा। ऋषि के द्वार से कोई निराश लौटता तो नहीं, परंतु क्या करें, जैसी विधाता की इच्छा। मुझे आपकी मांग स्वीकार है। भली भांत विचार कर लिया तुमने। नारी सुलभ मर्यादा
और लाज का प्रश्न मत उठा देना। अनसुईया, निसंकोच होकर व्यवहार करना। अवश्य, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, किंतु आश्रम के बाहर रहकर मैं आपकी मांग कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? इससे आश्रम की पवित्रता भंग होगी। आप सब भीतर कुटिया में पधारें। स्वामी, ये त्रिदेव मेरी परीक्षा लेकर मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए हैं। मैं तभी इनके सामने अपनी लाज, मर्यादा और संकोच का त्याग कर सकती हूँ जब ये तीनों नवजात शिशु बनकर मुझे माता के रूप में निहारे। मुझे अनुमति प्रदान करें स्वामी, प्रदान करें। पधारे महात्मा गण, अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आपके आदेश का पालन करके आपकी मांग पूर्ण करूंगी। मेरी लाज, मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा हो। चिंतित लग रही है। हाँ देवी लक्ष्मी, विषय तो अनुसुईया के सत्यत्व की परीक्षा का था, किंतु अब वह चिंता तक आ पहुंचा है। चिंता का कारण क्या है देवी? अनुसुईया के सत्यत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव यहीं से गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, किंतु लौटे नहीं, यही चिंता का कारण है। देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। स्वागत कर रही हूँ किंतु उदास हूँ। लगता है विषय वही अनसुईया के महान सती होने का है। ऐसा ही कुछ है। त्रिदेव भी यही मानते हैं कि वो जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं, नहीं। हाँ, वो चाहे जितनी बड़ी सती हो, हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती।
हम भी यही कहती हैं। हाँ, हमारा भी यही मानना है कि वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती है। नारायण नारायण। त्रिदेवियों को नारद का प्रणाम। त्रिदेवों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर प्राय प्राप्त होता रहता है, किंतु त्रिदेवियों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर और सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। आज कैलाश पर त्रिदेवी सम्मेलन है, अवश्य ही कुछ विशेष प्रसंग होगा, किंतु त्रिदेवियों की शोभा तो त्रिदेव से है। कहाँ है त्रिदेव? नारायण नारायण, मैं तो विष्णु लोक ब्रह्म लोक दोनों में भ्रमण करके आ रहा हूं, दोनों लोग सूने पड़े हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी नहीं। आप तीनों को तो अवश्य ज्ञात होगा ही कि त्रिदेव कहाँ है। नारद, तुम बात बिल्कुल तो हो ही, अभिनय पटु भी हो, तुम तो ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान ही न हो। कैसा ज्ञान माता? क्या तुम नहीं जानते कि त्रिदेव अनुसुईया के सत्यत्व का अभिमान चूर चूर करने गए हैं? कैसे जानूंगा, कैसे माता, जबकि मैं ये जानता हूँ कि सती अनसुया को अभिमान छू भी नहीं सकता, तो फिर उसके चूर चूर होने का प्रश्न भी नहीं उठता। किंतु नारद, तुम ये तो जानते हो कि त्रिदेव अनसुया को महान सती मानते हैं। हाँ, सो तो जानता भी हूँ और मानता भी हूँ माता। क्या तुम भी यही मानते हो? विवशता है माता, विवशता। त्रिदेव जी से मानते हैं, उसे यदि मैं अमान्य कर दूं तो स्वयं मैं अमान्य हो जाऊंगा। तो सत्य ये है कि त्रिदेव की मानता के कारण ही तुम भी यही मानते हो कि अनसुया जगत की महान सती है। हाँ माता। किंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण असत्य से उत्पन्न शंका का होता है माता। जो प्रत्यक्ष है उसका क्या प्रमाण? सत्य असत्य का ज्ञान बिना परीक्षा लिए कैसे होगा नारद? माता, यही जानने तो मैं अत्रि आश्रम गया था। क्या नारद, तुम अत्रि आश्रम गए थे? हाँ माता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो क्या वहाँ त्रिदेव नहीं थे? अब क्या बताऊँ मैं माता? जो सत्य है वही कहो नारद। बताओ नारद, त्रिदेव वहाँ थे अथवा नहीं? थे भी और नहीं भी। नारद, अपनी लीला का प्रदर्शन दानवों अथवा मानवों पर किया करो। स्पष्ट कहो, त्रिदेव वहाँ थे या नहीं? कहो नारद, अनुसुईया के आश्रम में तुम्हें त्रिदेव के दर्शन हुए अथवा नहीं? माता, मैंने वहाँ अनुसुईया के तीन छोटे छोटे शिशुओं के दर्शन किए, किंतु त्रिदेव के तो तीनों लोक में कहीं दर्शन नहीं हुए। ये क्या, कहाँ गए वे तीनों? नारद, तुमने ये क्यों कहा कि त्रिदेव वहाँ थे भी और नहीं भी? नारायण नारायण, माता मैं तो कण कण में प्रभु के दर्शन करता हूँ। सती अनसुया के उन तीनों शिशुओं में भी मैंने त्रिदेव के दर्शन किए, बस इसीलिए कह दिया कि वे वहाँ थे। नारद, अपने से बड़ों के साथ ऐसा निर्मल विरोध करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं होता? मैंने कोई विनोद नहीं किया माता। रही बात संकोच की, सो तो भक्तों को संकोचहीन करने में त्रिदेव भी कब संकोच करते हैं? अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कोई अनर्थकारी अभिप्राय नहीं है माता, सरल और स्पष्ट अभिप्राय है कि जब तक भक्त निसंकोच होकर त्रिदेव से वरदान नहीं मांगते, तब तक त्रिदेव भी निसंकोच होकर भक्तों को वरदान नहीं देते। तो तुम्हारा अभिप्राय है कि त्रिदेव अनुसुईया को निसंकोच होकर वरदान देने गए हैं? माता, कहा ना मैंने कि मैंने त्रिदेव को तीनों लोक में कहीं नहीं देखा। तो फिर गए कहाँ? माता, आप तीनों मुझसे और मैं आप तीनों से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे गए कहाँ? नारद, तुम जब अत्रि आश्रम गए थे तो तुमने अनुसुईया से उनके विषय में नहीं पूछा?
अनसुया ने तीन शिशुओं को एक साथ जन्म दिया है। हमें तो इस विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि अनसुया माँ बनने वाली है। पर माँ बनने वाली इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सती अनसुया की परीक्षा लेने गए त्रिदेव को स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई हो? नारायण नारायण, अर्थात त्रिलोक की भाषा में उन्हें कहीं लेने के देने पड़ गए हो। और फिर आवश्यक है कि सदा त्रिदेव परीक्षा देने पर उत्तीर्ण ही हो जाए। नारद, तुम हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसे बढ़ा ही रहे हो। माता, यदि मेरे वश में होता तो मैं आप तीनों की चिंता कम क्यों करता? नारायण नारायण, अर्थात जड़ मूल से मिटा ही न देता। पर क्या करूं माता, विवश हूँ। नारद, ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। छिपने वाले तो छिप ही गए माता, मैं क्या छिपाऊंगा? नारद, कालदर्शी दिव्य दृष्टि से देखकर बता कि इस समय त्रिदेव कहाँ है। दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति से तो आप तीनों भी संपन्न हैं माता, फिर आप ही स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देख लें कि आपके पति कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं। अब तो हमें यही करना होगा, हम व्यर्थ ही उद्विग्न हो रहे हैं। चलो देखते हैं। क्या तुम दोनों ने वही देखा जो मैंने देखा? यही प्रश्न मैं करने वाली थी। यही प्रश्न आप दोनों से मैं भी कर रही थी। क्या प्रश्न है आप तीनों देवियों का? तनिक मैं भी तो सुनूं। नारद, सब कुछ जानते हुए भी तुम अंधे के बनते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के पालने में त्रिदेव शिशु बनकर पै पै कर रहे हैं? पै पै नहीं, ए ए कर रहे हैं। पै पै भी नहीं और ए ए भी नहीं, उआ उआ करके रो रहे हैं। नारायण नारायण, सभी ने अपने अपने पतियों को शिशु रूप में रोता देख सुन लिया। अच्छा हुआ आप तीनों ने उन तीनों को देख लिया, आपकी चिंता दूर हो गई ना। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चला। रुक जाओ नारद, हमारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, बढ़ गई है। अभी तो केवल इतना ही ज्ञात हुआ है कि वे अनसुया के पालने में हैं। अब और क्या ज्ञात करना शेष है माता? नारद, कभी कभी तुम्हारे प्रश्न बाण की नोक से भी अधिक नोकीले होते हैं। उन तीनों को वहाँ से कैसे मुक्त करें, यह ज्ञात करना तो शेष ही है। नारद, हमारे साथ तुरंत अत्रि आश्रम चलना है। मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं क्या करूंगा वहां आकर? शिशुओं और माताओं के बीच नारद का क्या काम है? ये गुत्थी तो आप तीनों की उलझाई हुई है, अब इस गुत्थी को आप तीनों ही सुलझाएं। मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण।